Have been tweeted by the original, by the handle BJP handle, and recently Honorable Prime Minister Modi ji said that among the six bhajan that he likes one of the bhajan composed by me, that's Ram Ke Dham. So it's a beautiful feeling, and I'm very happy to be here and waiting for that, as all of us are anticipating the moment when actually the Ram Pratishtha will happen. जब आप पहली बार आए थे और आपने मंदिर देखा तो आपका पहला क्या इमोशन था? I had tears in my eyes. मैं जब एंटर कर रहा था after the security, I started weeping, and that is something which cannot be controlled. It just happens to you. You don't plan it. It's just the tears well up in your eyes, and right now I'm here with everybody, and I'm grateful to Lord Shri Ram and Hanuman ji that I, amongst billions of people, I'm one of them who has come here. It's magical. It's spectacular. I have seen so many images of it, but जब आंखों के सामने देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ इतना अनोखा, इतना भव्य, इतना जादुई देख रहे हैं. नहीं भाई, देख रहे हैं सब उनके चरणों में समर्पण ही कर सकते हैं और स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं. आज के युग में भगवान राम के आदर्शों की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है. हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, विश्व को, जिस दौर से विश्व गुजर रहा है उस पर अगर हम देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारा बहुत कल्याण हो सकता है. चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो, भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही एक ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ. आज भारत के लिए गौरव का दिवस है और भारत आज नया आयाम लिख रहा. धर्म विरोधियों की ठटरी भर गई, राम राज्य का प्रारंभ हो गया. हृदय गदगद है, हमारे हनुमान जी खूब नाच रहे हैं राम जी के महोत्सव पर. हम भी बहुत प्रसन्न हैं. आपको धन्यवाद, संपूर्ण भारत को, विश्व को शुभकामना. अब हम जाएं जन्मभूमि में. आज आकर जब टेंट में रामलला थे तब हम आए थे. आज जो दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, ये एक सनातन का एक नया इतिहास बन रहा है. राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम राज्य की एक नई शुरुआत हो रही है. और आज यहाँ सब हमारे शीर्ष संत महापुरुष, एक दो को छोड़ दीजिए, वो अपवाद है, सब भारत के साधु संत महात्मा, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के 200 करोड़ से अधिक राम भक्त प्रसन्न हैं. इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता जिसको आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं. जय श्री राम. के लिए आप सभी आए हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? It's a wonderful occasion, a very divine occasion, blessed to be a part of this, very historic, and looking forward to seeking blessings of Ram Lalla. Obviously, it will mean a lot more for us. We'll continue to come to Ayodhya, but this is, to be a part of this occasion is itself a wonderful feeling and really blessed. So how do you see Ayodhya now? It's a before and now. This is my first visit, so I'm hoping that we'll be coming a lot more for His divine blessing. So yes, really looking forward to the event. Have you visited Ayodhya some places? Not yet. So after this, yes, for sure. Thank you. Ma'am.